disk of mass 3 kg rolls down an inclined plane, height 5 meter, transitional kinetic energy of the bottom of the inclined plane is. तो डिस्क है आपके पास, मास 3 kg है, हाइट 5 मीटर पे है, तो जब ये नीचे पहुंचेगी तो इसकी ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? फॉर्मूला बताओ ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी का, हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी? पीछे वाले क्वेश्चन अगर आप सीक्वेंस में देख रहे हो तो मैंने आपको बताया था जस्ट बिफोर कमिंग टू द ग्राउंड इट्स वेलोसिटी विल बी रूट टू जी एच वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ठीक है, के रेडियस ऑफ गायरेशन और आर रेडियस है, तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का रेशियो निकाल लेते हैं। देखो ध्यान से, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को आप किसी भी बॉडी के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को किसी भी एक्सिस के अबाउट हो सीधा एम के स्क्वायर के बराबर लिख सकते हो। किसी भी एक्सिस के अबाउट निकालना है तो मेरे को तो सेंटर के अबाउट निकालना है, डिस्क है एम आर स्क्वायर बाय टू होता है, तो बस इसको एम के स्क्वायर के बराबर कर दो। एम से एम गया, आर को नीचे ले लो, तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर क्या आ गया, वन बाय टू। सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू, तो कितना आ जाएगा, 2 की जगह 2, g की जगह 10, h की जगह 5, 1 की जगह 1, k स्क्वायर बाय r स्क्वायर की जगह 1 बाय 2, 1 प्लस 1 बाय 2, 3 बाय 2, ऊपर आ जाएगा 2 इंटू 10 इंटू 5, 100, है ना, 2 ऊपर चला जाएगा तो 200 बाय 3 का अंडर रूट रह जाएगा, तो हाफ m 200 बाय 3 का अंडर रूट का स्क्वायर, तो रूट हट जाएगा। तो सॉल्व करेंगे, 3 से 3 गया, 2 से 200 गया, आंसर आया 100 जूल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।